There are no problem, only solution. Dynamic solution classes. अब पांडुर्णा में स्टेट बोर्ड हिंदी और अंग्रेजी मीडियम में हमारे यहाँ अलग अलग बैचेस स्टार्ट हो चुकी है। बड़े शहरों में लाखों IIT, JEE, NEET, NTSC इन एग्जाम पर नहीं करना पड़ेगा खर्च, क्योंकि बेस्ट स्टडी मटेरियल, एक्सपीरियंस टीचर के साथ मार्गदर्शन में हमारे यहाँ स्पेशल बैचेस स्टार्ट हो चुकी है। हमारे यहाँ 6 to 8 ऑल सब्जेक्ट एंड 11th and 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो प्रिंटेड नोट्स के साथ पढ़ाए जाएंगे। बोर्ड एग्जाम हेतु प्रति सप्ताह टेस्ट की व्यवस्था, प्रति माह मोटिवेशनल क्लासेस, परीक्षा हेतु टाइम मैनेजमेंट, नए सत्र के लिए कक्षाएं प्रारंभ। हमारा पता, डॉक्टर चौहान क्लिनिक, शिवानी हॉस्पिटल, बेसमेंट, नियर फायर ब्रिगेड, पांडुर्णा। CBSE एफिलेटेड राम शांति विद्या मंदिर, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल ऑफ पांडुर्णा। राम शांति विद्या मंदिर देता है आपके बच्चों को पढ़ने के लिए सुरक्षित स्थान, अनुभवी शिक्षकों से अध्यापन कार्य, वो भी विशेष मल्टीमीडिया सपोर्ट के साथ, हरा भरा खेल मैदान, विशाल लाइब्रेरी, इंटर आउटडोर गेम्स, कल्चरल एक्टिविटी, विद्यार्थियों को स्कूल आने जाने के लिए बस फैसिलिटी, शुद्ध RO वाटर और बहुत कुछ जो आपके बच्चे के भविष्य के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है। एडमिशन ओपन क्लास नर्सरी टू 9th एंड क्लास 11th। राम शांति विद्या मंदिर, पार्डी रोड, पांडुर्णा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नंदनवाड़ी की बैठक, विधायक नीलेश उइके, जनपद पंचायत की अध्यक्ष लता तुमड़ाम, ब्लॉक अध्यक्ष मुसनलाल उइके, कार्यवाहक अध्यक्ष रवि खापरे की प्रमुख उपस्थिति में नंदनवाड़ी में संपन्न हुई। विधायक नीलेश उइके ने 4 से 7 अगस्त को सिद्धेश्वर धाम सिमरिया हनुमान मंदिर में आयोजित पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य राम कथा में अधिक से अधिक संख्या में श्रद्धालुओं को पहुँचाने और कार्यक्रम को सफल बनाने में सक्रियता दिखाने की अपील की। इस मौके पर ग्वालियर से प्रियंका गांधी के जन आक्रोश महारैली का सीधा प्रसारण भी कार्यकर्ताओं को दिखाया गया। सबसे बड़ी ताकत इस देश के गरीबों का विश्वास होना, अगर उनका विश्वास हो जाएगा तो देश टूट जाएगा। इसे मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के संविधान को मिटाना चाहती है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करना चाहती है। ग्राम पंचायत पेंडोनी में मध्य प्रदेश विकास पर्व कार्यक्रम के दौरान 2 अमृत सरोवरों का लोकार्पण कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर सरपंच लक्ष्मीबाई इवनाती, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष सुनील रबड़े, जिला पंचायत की सदस्य सुनंदा डोंगरे, जनपद सदस्य मालुताई उइके उपस्थित थी। सरपंच ने बताया कि अमृत सरोवर का निर्माण 33 लाख रुपये की लागत से किया गया है, इससे गाँव में पानी की समस्या का हल निकलेगा। लोकार्पण के दौरान गंगाधर इवनाती, चक्रधर वानखेड़े, अरुण डोबले, हिरेंद्र टोपले, रंचू सिंह इवनाती, जोगीलाल कुमरे, मदन हजारे, सचिव भावराव वैद्य एवं उपयंत्री मुबीन अहमद उपस्थित थे। मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के बैनर तले पंचायत सचिवों ने विभाग में संविलियन कर 7वें वेतनमान का लाभ प्रदान करने की मांग की है। सचिवों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर बताया कि सचिवों को गौण, खनिज एवं अन्य मदों से वेतन दिया जा रहा है। इन मदों में अलाटमेंट उपलब्ध नहीं होने पर सचिवों को नियमित वेतन नहीं मिल पाता है। यदि विभाग में संविलियन हो जाता है तो ग्लोबल वेतन का लाभ मिल सकेगा। मध्य प्रदेश में सभी कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का लाभ दे दिया गया है। सचिवों को भी लाभ प्रदान करने की मांग की गई है। इसी तरह अनुकंपा नियुक्ति में रोस्टर को शिथिल कर पंचायत सचिवों के आश्रितों को लाभ प्रदान करने की मांग की है। इस मौके पर संगठन के अध्यक्ष भास्कर महाले और सचिव राजेश कुमरे के साथ सचिव बड़ी संख्या में उपस्थित थे।